वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में काफी अच्छे रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आप कौन सी क्रीम यूज करें तो मैं आपको ऐसी क्रीम बताने जा रही हूँ, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको क्रीम बताने जा रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उस अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, और अगर आपकी ऑयली स्किन है उस अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उस अकॉर्डिंग भी मैं आपको क्रीम बताने जा रही हूँ। तो अब जो आने वाला टाइम है वो क्या है कि विंटर वाला सीजन आ रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए, साथ ही साथ में आपको गर्मियों वाले सीजन में भी कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए, तो वो उसका रिव्यू मैं आज करने जा रही हूँ। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो गाइस, मैं आपके साथ में काफी का रिव्यू करती हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए जो अच्छा है वही चीज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज सबसे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं किस क्रीम के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं निविया क्रीम के बारे में बात कर रही हूँ। सो गाइस, ये जो ब्रांड है ये काफी पुराना ब्रांड है, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये ब्रांड कितना फेमस ब्रांड है आप सभी जानते हैं। निविया क्रीम सभी ने यूज कर रखी है, अगर जिसने यूज नहीं की है तो वो इसको एक बार जाके जरूर यूज कीजिए, क्योंकि ये काफी अच्छी क्रीम है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आप कौन सी क्रीम यूज करें, तो आप निविया वाली क्रीम जरूर यूज करके देखिए। तो मैरू वाली जो क्रीम है ये कौन सी ये ड्राई स्किन जिनके एक्सट्रीम ड्राई है वो इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी थिक क्रीम है कि आपके स्किन पे हैवी लगती है। तो हैवी वाली जो क्रीम होती है, जो स्टिकी क्रीम होती है, वो जिनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है, जैसे कि ड्राई स्किन वालों को विंटर में उनकी स्किन क्या है कि फटना स्टार्ट हो जाती है, तो वो ये निविया के ब्लू वाली क्रीम जरूर यूज। गाल आप देखते हो कि यहाँ से उनके फटे फटे से गाल लगते हैं, तो वो क्या है कि कोई सी भी क्रीम अप्लाई कर लेते हैं तो उनके क्या है कि फटना स्टार्ट हो जाती है स्किन। इसलिए आपको क्या है कि ऐसी क्रीम यूज करनी चाहिए जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे। तो आपको ऐसी क्रीम यूज करनी है, तो ये बेस्ट क्रीम है, तो आप इसको यूज करके जरूर देखिए। स्टिकी क्रीम है, ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कौन सी क्रीम यूज करनी है, तो निविया की वाली जो क्रीम है वो यूज करनी है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड क्रीम है, मतलब कि आपके जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो वो मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए बताई थी ब्लू वाली, वो क्या है कि एब्जॉर्ब नहीं होती, उसको 5 मिनट तक हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद में ही वो फेस पे अप्लाई होती है 5 मिनट के बाद। ये वाली जो क्रीम है जो मैं बता रही हूँ व्हाइट वाली, जो ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, ये क्या है कि ये लिक्विड क्रीम है जो कि आपकी स्किन पे जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी फटाफट। तो इसकी जो क्वांटिटी है ये अलग अलग प्राइस की आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाएगी। अगर आपको इसको परचेज करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ताकि आपको ईजी हो जाए इसको परचेज करना। तो मैं इसकी प्राइस आपको अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्या है कि काफी सारी सेल चलती रहती, तो उसमें क्या है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके प्राइस जो है कि चेंज होती रहती है। तो इसलिए आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि ये जो क्रीम है ये कितने की है, और आपको डिस्काउंट में कितने की मिल जाएगी, सेल चलती है। तो हो गई विंटर की बात, कि विंटर में कौन कौन सी स्किन टाइप वालों के लिए कौन कौन सी क्रीम सुटेबल है। ड्राई स्किन वालों के लिए ब्लू वाली सुटेबल है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए व्हाइट वाली सुटेबल है। गर्मियों की बात करें हम, तो गर्मियों में सारी स्किन टाइप वाले व्हाइट वाली क्रीम को यूज करें, क्योंकि अगर क्या होता है कि गर्मियों में काफी ज्यादा हमारी स्वेटिंग होने लग जाती है, तो स्वेटिंग होने से क्या होता है कि काफी चिपचिपा लगता है। तो इसलिए ऐसे टाइम में हम अगर ब्लू वाली क्रीम को यूज करेंगे तो हमारी जो फेस पे जो स्किन है वो काफी ज्यादा ऑयली लगेगी। तो इसलिए ड्राई स्किन वाले भी इसको गर्मियों में अवॉइड करके सर्दियों में ही यूज करें। तो गर्मियों में आप व्हाइट वाली यूज कर सकते हैं, तो व्हाइट वाली जो क्रीम है वो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए अच्छी है, मतलब कोई सी भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। पर जो ब्लू वाली है उसके बेनिफिट ज्यादा है, ओल्ड वाला प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि उसमें काफी सारे ऑयल है, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। पर अगर आपके ऑयली स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप व्हाइट वाली ही यूज करें। कॉम्बिनेशन स्किन है तो व्हाइट वाली, उसमें भी आपको काफी सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। और अगर आपके ड्राई स्किन है तो विंटर में आप वाली यूज करें, और अगर आप गर्मियों में और बारिश के मौसम में यूज करें तो आप व्हाइट वाली यूज करें। तो अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।